माँ पत्त पावनी माँ भगवती भागीरथी के पावन तट देवभूमि उत्तराखंड इस पावन भूमि पर पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा से प्रेरणा से स्थापित श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला गंडी खाता बसो चंदपुर हरिद्वार, जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला शबलगढ़ जिला बिजनौर पीली पड़ाव नंदीशाला और हम लोग बायो सीएनजी गैस प्लांट के इस प्रांगण में बैठे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि राष्ट्र के लिए समर्पित, स्वदेशी के लिए समर्पित, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के प्रचम को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री बालकृष्ण जी, लगभग पूज्य महाराज श्री से 30 वर्ष पूर्व का हमारा संबंध है। गंगोत्री की पावन कल कल बहती हुई माँ गंगा के पावन तट पर उस समय पूज्य हमारे योग ऋषि बाबा रामदेव जी आप और आपके तृतीय मित्र करमवीर जी थे। संत को ये समझते थे लोग कि संत केवल भिक्षावृत्ति के लिए ही जीवन जीते हैं, और यहाँ तक कि इस वर्तमान समय में ऐसा उपहास की दृष्टि से संतों को लोग देखते थे। लेकिन इस दो महापुरुषों ने पूरे विश्व में संतों की महिमा को, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए हमारा जीवन कैसा हो, कैसा समर्पित हो, पूरे विश्व के विदेशी कंपनियों को और विदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को हमारे परम पूज्य दोनों, दो शरीर तो है लेकिन एक ही है। इस शरीर के का महत्व प्राण के बिना कोई महत्व नहीं शरीर का, ऐसे दोनों जुगल जोड़ी पूरे विश्व में संतों की महिमा और भारतीय संस्कृति को कि संत होते क्या हैं। चाणक्य ने देश की दिशा को बदल दी थी और संतों ने दिखाया कि संत क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज भी जो ऐसे पूज्य महाराज श्री जो को जिन्होंने पूरे दुनिया को दिखाया, वैभव होने के बाद भी लोग बदल जाते हैं, लेकिन आज भी आप लोगों की वही जो आज से 1992-94 की मैं बात बता रहा हूँ, 28-30 बरस की बात हो गई, जिस तरह से आप लोग थे उसी स्थिति में आज भी रहन सहन वही है। तो ऐसा यह सौभाग्य है श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला का कि आज परम श्रद्धेय हमारे परम पूज्य महाराज आचार्य बालकृष्ण जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। ये केवल एक व्यक्ति नहीं है, लगे कि कोई एक व्यक्ति है, आज कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक बहुत बड़े देश की संस्कृति है, पहचान है। तो आज गौशाला पर आप आए, सिदूर रानी घाटी में एक गौशाला है, वहाँ लगभग श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला वर्तमान में सारे जगह मिला करके लगभग 16 से 18 हजार के लगभग गौवंश, निराश्रित गौवंश हैं, सेवा हो रही है।
गौ माता की सेवा हम सबकी सहयोग से, सबके सहयोग से, चाहे जिस रूप से कोई सहयोग करे। अभी मैं पूज्याचार्य जी ने, स्वाभाविक है कि भाई किसी भी बड़े व्यक्ति को आदमी चाहता है कि हमारे पास आए। मुझे विश्वास है कि आचार्य जी अगर चाहेंगे तो पूरे उत्तराखंड की गाय सुरक्षित हो सकती है। गाय का सुरक्षित होना, गाय का सुरक्षित होना भारतीय संस्कृति की सुरक्षा संवर्धन है। अगर गाय नहीं है, गाय की महत्ता को क्या कहा जाए। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा के अवतरण के हेतु भी अगर कोई सृष्टि में है तो गाय माता है, भारतीय देशी गौ माता। राजा दिलीप को, राम के वंशज को भी अगर कोई चलाने वाला है तो गौ माता है। देशी गाय हमसे दूरी होती गई तो हमारे लिए वृद्धाश्रम भी बनने लगे। क्यों बनने लगे? कि उस बच्चे के अंदर में वह ममत्व नहीं है, वह मात्सल्य भाव नहीं है, क्योंकि हमने उनका दूध अपने बच्चों को नहीं पिलाया। इसलिए हमें आवश्यकता है देसी गाय की रक्षा करना, ममत्व को बढ़ाना, परिवार को बढ़ाना, परिवार में सुख शांति को बढ़ाना। अगर हमें राष्ट्र को उन्नति करना है तो हमें गाय माता की, देसी गाय माता की रक्षा करनी होगी, गाय माता के संवर्धन पर जोर देना होगा। तो हमारे आचार्य जी अगर चाहेंगे तो हमें विश्वास है ऐसी योजना आप देंगे, क्योंकि आप देश के दिशा को बदल सकते हैं। आपने स्वदेशी जहां विलुप्त होता जा रहा था, आज पूरे विश्व में आपने परचम फहरा दिया। तो गौ माता के लिए भी एक क्रांति, अगर जिस दिन आप चाह देंगे आचार्य जी, उसी दिन वह गौ माता के लिए भी वह क्रांति हो सकती है, और क्रांति होगी, क्योंकि गौ माता ने आपको लाया है इसी कार्य के लिए। इसी शब्दों के साथ आचार्य जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद हृदय से करना चाह रहा हूँ। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य कमलानंद जी महाराज दो शब्द कुछ बोले, उसके बाद आचार्य जी मार्गदर्शन। आज आचार्य जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ, और ये गौशाला हम लोगों की नहीं है, आचार्य जी की है। और आचार्य जी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में, जैसा कि मंडलेश्वर जी ने कहा हमारे, कि उत्तराखंड में सड़क पर गाय न दिखे, यह हम संकल्प लेते हैं। और अगर हम इस संकल्प के साथ अगर हमारे आचार्य श्री यहाँ, इनका पदार्पण यहाँ पर हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ही होगा। और ये जो प्रकल्प हमारे, जितने भी प्रकल्प आचार्य जी ने देखे, अनंतानंद जी यहाँ पर संभाल रहे हैं, जगह जगह सारे संत लोग संभालते हैं, तो ये हम लोगों का एक नमूना है। और ये आप अगर इसके साथ अगर हो जाएंगे तो शायद हो सकता है कि ये देशी गौरक्षाशाला, यहाँ पर केवल और केवल देशी नस्ल की गाय का संरक्षण होता है। आचार्य जी अगर ये अपना समझ करके इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी जी अपना समझ के नहीं चलाएंगे, यह गौशाला स्वामी जी की है, थोड़ी त्रुटि हो गई थी क्योंकि यह गौशाला संतगणों की है। और जिस प्रकार से स्वामी जी ने उदारता दिखाई कि यह संतों की गौशाला है, यह यहाँ पे यह प्रकार चल रहा है, तो यह जो आत्मभाव संतों के प्रति और संतों के द्वारा जो प्रकल्प चलाया जा रहा है, और जो यहाँ पे संतों ने गाय को विज्ञान के साथ जुड़ा, और जिसको गौ को गौधन कहा जाता है, और गौधन में दूध को धन नहीं कहा गया, गोबर को गोवर्धन कहा गया, तो गोवर्धन का जिस प्रकार से यहाँ पे महात्म है, और जिस प्रकार से जो प्रकल्प चल रहे हैं, स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। और जैविक प्रकल्प किस प्रकार से आगे बढ़े, उसकी आज एक प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ, स्वामी जी की इस दिन उपस्थिति हुई है, यह अपने लिए बड़ा गौरव का विषय है। तो अब हम स्वामी जी का आशीर्वाद चलेंगे। चंद्रमसाविव पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे महे। ओम शांति शांति शांति। प्रातः काल से हम गोमाता के
दर्शन और स्पर्शन का हमको मौका मिला। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति में गौमाता की ऐसी ही प्रशंसा नहीं की गई है, गाय को माँ ऐसे ही दर्जा नहीं दिया गया है। उसके पीछे ऋषियों का सिर्फ भावनात्मक पक्ष नहीं था, अपितु उसके पीछे एक गहन अनुसंधान, रिसर्च और वर्षों वर्षों के, हजारों वर्षों का अनुभव, ये सब मिला करके ऋषियों ने गाय को माँ का दर्जा दिया। और जहाँ तक गायों की संरक्षण की बात है, गो रक्षा की बात है, मैं एक निवेदन आप सब से, आपके माध्यम से, पूरे देश से करना चाहता हूँ कि हम गायों की रक्षा के लिए गायों की रक्षा नहीं करते हैं, अपितु हम अपनी रक्षा के लिए गायों की रक्षा करते हैं। जिस दिन यह बात देश के लोगों को समझ में आ जाएगी, न एक गौमाता सड़क में घूमती मिलेगी, न एक गौमाता को भूखी प्यासी सोना पड़ेगा, तो इसी भाव से यहाँ पर परम श्रद्धेय पूज्य हमारे संतगण, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी, उनकी टीम के अंदर जो हमारी सशक्त जो पूरी टीम है संतों की, पूज्य स्वामी कमलानी जी महाराज, पूज्य स्वामी ऋषभ देव जी महाराज, पूज्य स्वामी शंकरदास जी, पूज्य स्वामी दरानंदानंद जी, पूज्य स्वामी केशवानंद जी और इस्कॉन के भी हमारे पूज्य संतगण, ये सबकी जो भावनाएं हैं, और जितने भी आप सब बैठे हैं भाई बहन हमारे सम्मुख, उपस्थिति से ज्यादा यहाँ संवेदना है, भावना है। तो हम तो गाय के प्रति गोभक्त तो हम हैं। मैं एक बात, थोड़ी सी बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा, महामंडलेश्वर जी ने, वो हमारा तो तीसियों वर्ष पुराना रिश्ता है, गंगोत्री में, साधना में जब हम थे, हम भी इधर उधर विचरण करते थे, ये भी करते थे, तो उस समय से हम जानते हैं। और उसके बाद में परमात्मा की जो व्यवस्था होती है, प्रभु की जो कृपा होती है, हम लगे परंपरा से भी, क्योंकि बनारस में हम थे तो हम वैष्णव परंपरा में जुड़े, फिर हम सन्यासियों के साथ भी रहे, तो आप तो मिक्स ब्रांड यहाँ पर दिख रहा, मैं तो अकेला ही मिक्स हूँ, तो कई जगह रहा। फिर वैदिक परंपरा में, गुरुकुलीय विधा में हमने शिक्षा पाई। जब हरियाणा में हम पढ़ रहे थे, परम पूज्य स्वामी हमारे आचार्य जी, आचार्य बलदेव जी गुरुकुल गालवा में थे, उन्होंने कहा, उनके मन में भाव आया, गुरुकुल में एक गौशाला होती थी, तो उनके मन में भाव आया कि जो गाय सड़कों में घूमती है उसके लिए हमें एक बड़ी गौशाला बनानी चाहिए। तो पूज्य आचार्य जी भरी ठंड में भी बहुत ही तपस्वी थे। अभी मैं ये गौशाला घूम रहा था तो मुझे सूक्ष्म रूप से आचार्य जी का, अभी वो देह में नहीं है, वो मुझे उनकी प्रतीति बहुत तीव्रतर हो रही थी। नंगे बदन, नंगे पांव, भरी ठंड में गुरुकुल कालवा से धड़ौली, ये डिस्ट्रिक्ट जींद में हरियाणा में है, करीबन 5 किलोमीटर प्रतिदिन 3 बजे उठ करके पैदल जाते थे। तो वो इतनी सेवा करते थे गायों के लिए जो उन्होंने तब किया, आज भी वहाँ पर करीबन 4-5 हजार गौवंश उस गौशाला में धड़ौली में हैं। दूसरी भी कई गौशालाएँ पूज्य आचार्य जी ने खोलवाई उस टाइम पर। जब हम लोग बैठते थे तो जब पूज्य आचार्य जी जब बोलना शुरू होते थे तो इतने खो जाते थे शब्दों में नहीं, वो जिस गहराई से, जिन गहराइयों में गौमाता के लिए वो जीते थे, वो एक बात बहुत कहा करते थे, बोले राजा दिलीप मूर्ख नहीं था, कि गाय वो चलती थी तो वो चलता था, गाय बैठती थी तो वो बैठता था, गाय कुछ खाती थी तो ही वो कुछ खाता था। गौ सेवा से क्या मिलेगा,
बोले ये उपदेश की बात नहीं है, गोसेवा से कुछ आप चाहते हो कि क्या मिलेगा क्या होगा, सच्चे मन से गोसेवा करके तो देखो, वो जो होना है वो तो अपने आप हो जाएगा। ये बहुत गहरी बातें हैं, ये शब्दों में कहने की या प्रवचन की बातें नहीं हैं, ये अनुभव की बातें हैं। तो इसीलिए गायों की रक्षा हमें अपनी रक्षा के लिए करनी जरूरी है। अभी मैं कुछ दिन पहले USA से लौट करके आया, वहाँ हम अभी एक वेलनेस सेंटर और प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसे ही भाव आया, मैंने कहा सुनो हमने यहाँ गौशाला बनानी है। अच्छा गौशाला बनानी है तो सारे जितने भी हमारे जो बंधु बांधव थे हमारी तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा चिंता न करो, गाय भी मैं ढूंढूंगा। फिर मैंने कुछ टीम को लगाई वहाँ पर, हमको पता चला कि ऑरलैंडो में, फ्लोरिडा एरिया जो ऑरलैंडो के अंदर एक ब्रीड है, वहाँ मैंने पता कराया। मैंने कहा भाई यहाँ पर A2 मिल्क मिलता है? उन्होंने कहा मिलता है। तो A2 मिल्क मिलेगा तो जर्सी से तो मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ देसी का जुगाड़ तो कहीं होगा ही होगा। तो हमने ढूंढना शुरू किया, मुझे सुनकर के बड़ा ताज्जुब हुआ कि वहाँ पर एक ब्रीड है गाय का, जिस ब्रीड का नाम है ब्रह्मा, नाम ही ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ब्रीड है वो, पूरे हमने बाहर से उस टाइम देखा पूरी तरह से भारतीय नस्ल की गाय हैं और उसका नाम भी ब्रह्मा है। मैंने जब थोड़ी हिस्ट्री पता करवाई तो कोई पुराना भारतीय साइंटिस्ट था, उसने जाकर के उस ब्रीड को वहाँ पर डेवलप किया था, उसकी वो हिस्ट्री है। तो हम तो कहीं कहीं पर पहुँच चुके हैं। फिर हमने कहा और पता करो, क्योंकि यहाँ से हिंदुस्तान से अमेरिका में गाय ले जा करके पालना तो कठिन काम था। हमने कहा यहाँ और ढूंढो, तो पता चला कि एक सज्जन के पास वहाँ पर, वो है वहीं का अमेरिकन है, उसके पास 150 गिर गाय वहाँ पर हैं। तो मैं पूरा जुगाड़ करके आया। अभी हम सितंबर अक्टूबर में परमात्मा की व्यवस्था हुई तो हम जाएंगे। तो पहली गौशाला पूरी तरह से 11-12, मैंने कहा कम से कम 21, मतलब 21-22 गाय ले लो, 11 मैंने कहा ब्रह्मा ले लो, 11 मैंने कहा आप गिर ले लो। तो 21-22 गायों की गौशाला हमने कहा वहाँ हम खोलेंगे। तो वो लोग सब तैयार हुए। फिर वहाँ गायों की परंपरा, जिन्होंने ब्रह्मा की नस्ल पाल रखी है उसका, वो सिर्फ दूध के लिए करते हैं। पर हमने कहा हम दूध नहीं, हम यहाँ गोबर और गोमूत्र भी, मैंने कहा गोबर का भी प्रयोग करेंगे और गोमूत्र भी तुम लोगों को पिलाएंगे। तो आपने सुना होगा अभी अमेरिका ने एक कंपाउंड का, गोमूत्र का पेटेंट ले लिया, वो अंदर खाने काम करते हैं। पर हमारे जो भारतीय लोग भी अमेरिका में बहुत रहते हैं तो उनको भी पता नहीं है कि किस तरह से गायों से कितना यदि उपकार लिया जा सकता है या उसकी क्या महत्ता है। काउ कर्लिंग आपने सुना होगा, जो हगिंग करते हैं जा करके, वो जर्सी के गले लगाने से यदि बीमारी ठीक होती है, देसी मिल जाए तो महाराज जी बीमारी का बाप भी ठीक हो सकता है। तो इसीलिए इसके ऊपर रिसर्च होने की आवश्यकता है, अनुसंधान की आवश्यकता है। और एक जानकारी से पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि गायों के अंदर बहुत गो सोना है, ये तो नहीं कह सकता कि कितना सोना है, पर भारतवर्ष में सबसे पहली बार हम लोगों ने ये रिसर्च किया था कि गाय के गोमूत्र के अंदर सोने के तत्व तो पाए जाते हैं। सबसे पहले इस कार्य को करने वाली संस्था भी पतंजलि है, जिसने बड़े रूप में काम किया। तो गोमूत्र के अंदर स्वर्ण है और दूध के अंदर भी जो पीलापन है वो स्वर्ण का अंश है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बड़ी बात बताना चाहता हूँ, हम एक काम और अनुसंधान कर रहे हैं कि गाय जो खाती है उसमें से जो औषधीय तत्व होते हैं वही दूध में आता है। ये बड़ी बात है। गाय जो यदि कोई ऐसी चीज़ भी खा लेती है, जैसे मान लीजिए कि कोई हो सकता है कि कोई थोड़ी ना जहरीली हो या हो सकता कोई बीमारी देने वाली चीज़ हो, पर गाय यदि उसको खा भी लेती है तो दूध में वो तत्व नहीं आते हैं, अपितु औषधीय तत्व ही दूध में आता है। ये गौ माता की ही विशेषता है, दूसरे में भैंस में ये क्षमता नहीं है, इसीलिए गौ माता पूजनीय है। ये हमको समझना होगा जर्सी के संदर्भ में, जिसका बछड़ा मतलब कि बिल्कुल मरा हुआ भी पाए तो वो संवेदना ही नहीं है उस माँ में, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसका नस्ल ही इतना खतरनाक है, वो मतलब उसको वो संवेदना नहीं है, वो समझ नहीं है। पर गाय की समझ को पूरी दुनिया जानती है कि गाय के अंदर कितनी संवेदना होती, कितनी समझ होती है। इसीलिए गाय की रक्षा अपनी रक्षा के लिए, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से कितनी चीज़ें गाय कर सकती हैं ये कल्पना नहीं की जा सकती है।
तो ये बहुत सुंदर मैंने, क्योंकि जो श्री कृष्णायनम गो संरक्षण सो जो ये जो साला है, तो ये आप लोगों के परमात्मा की व्यवस्था है, ये भी एक बड़ी बात है। परम पूज्य महाराज श्री जो आप पूज्य संतों के जो गुरुदेव हैं, उनको उनके विषय में जान करके भी हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसे महान गुरु, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो अपने चेलों को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, ऐसे महान गुरु जो दूसरे के शिष्य भी थे पर परंपरा में उन्होंने गौ के लिए चिंता करी, बाकी को कहा कि आपको इस कार्य में साथ देना है, ऐसे गुरु भी धन्य हैं। ऐसे गुरुओं से ही यह जो देश है यह आज आगे बढ़ रहा है, इसको हमको समझना होगा। नहीं तो कभी कभी हम छोटे छोटे स्वार्थों के चलते बड़े बड़े जो कार्यों का संपादन करने की जो हमारा सामर्थ्य होता है उससे वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए पहले मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, हमारे यहाँ भी बहुत सारे पूज्य संतगण हैं, साध्वी बहनें हैं, ब्रह्मचारी हैं, करीबन 500 से ज़्यादा सन्यासी और ब्रह्मचारी पतंजलि के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। उनको भी हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, हमें हमेशा शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। शिष्य बनना पड़ता है, गुरु तो दुनिया बना देती है, पर हम गुरु बनने का प्रयास करते हैं इसलिए चेला भी नहीं बन पाते। तो ये बड़ा अद्भुत उदाहरण है, ये अच्छा यहाँ पर ये माहौल है। गायों के रक्षा के साथ साथ में संत परंपरा में परंपराएं अलग होने पर भी साधु साधु होता है, यह एक उदाहरण है। यह भी मैं समझता हूँ बाकी संस्थानों के लिए अनुकरणीय है। और सन्यासी और ब्रह्मचारी क्या कर सकते हैं पूरे देश में? कई बार जैसे पूज्य स्वामी जी ये बात कह रहे थे, ये मैं जानता हूँ, परम श्रद्धे वंदनीय पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज, और हम लोग जब जाते थे कई कई जगह पर साधु को लेकर के, भगवे वस्त्रों को लेकर के, श्वेत कपड़ों को देख करके लोगों में कहीं ना कहीं शंका की भावना होती थी, साधु का मतलब मांगने खाने वाली जाति। पर पूज्य स्वामी जी ने ये बता दिया, साधु का मतलब वो क्रांतिकारी भी होता है, वो वीर भी होता है, वो त्यागी भी होता है, वो तपस्वी भी होता है, वो पुरुषार्थी भी होता है, वो साधना करना जानता है तो कर्म करना भी जानता है। तो आज कर्म करने वालों के लिए भी उदाहरण है कि साधु होकर के बड़ी बड़ी संस्थाओं को चला सकता है, साधु होकर के व्यापार भी कर सकता है, उद्योग भी कर सकता है, तो वह आत्मयोग भी कर सकता है, दुनिया को जागृत कर करके दुनिया को मार्गदर्शन भी दे सकता है। तो ये एक उदाहरण है। तो ये गौशाला देख करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सुना था, इसके बाद में जितना ये इतने सारे संतगण इकट्ठे ना होते तो यह स्वरूप बनता नहीं। तो ये आप लोगों की ये संयुक्त शक्ति का प्रयास है, इसी प्रयास के साथ निरंतर बढ़ते रहिए, क्योंकि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर हमको लाना ही पड़ेगा। देर सबर हर चीज़ को हमको उस लेवल पर लाना ही पड़ेगा। जरूरत होती है शुरू में खड़ा करने के लिए, वो सहयोग भी लोगों ने दिया है इसलिए खड़ा है, पर ये पर्याप्त नहीं है। लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि जी अच्छा टीन सेट तो बन ही गया, गौशाला का गोबर गैस प्लांट तो लग ही गया, अरे भाई गाय तो हर रोज खाती हैं, सेवक भी हर रोज सेवा देते हैं, इसलिए दान और सहयोग भी हर रोज ही चाहिए। तो इसके लिए भी हमको कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, हमको अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास करना चाहिए। तो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के लिए मैंने देखा बायो सीएनजी प्लांट का एक अच्छा चल रहा है, क्योंकि पतंजलि में हम लोगों का उस लेवल पर हम नहीं कर पाए थे, टीम यहाँ जाकर वहाँ भी शुरू कर दें, क्योंकि ये बंटवारा तो हुआ नहीं भाई, हमका भी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई हम किसी गृहस्थ को सौंप के जाएंगे, यहाँ भी बाबाओं की प्रॉपर्टी है, बाबाओं ने आगे देखना है, तो इसीलिए उसको भी आकर के आप लोग देख लो। कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ अच्छी लगी, जैसे मान लीजिए कि ठीक है बर्मी कंपोस्ट हम लोग भी बनाते हैं यहाँ पर, जितनी सरलता से थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा लगा। कुछ कुछ काम हमारे यहाँ उधर वो लोग अच्छे कर रहे हैं खेतीबाड़ी में, क्योंकि कुछ मॉडल हम लोगों ने एक्स्ट्रा डेवलप किया हुआ है, कुछ रिसर्च में हमारे पास बड़ा सेटअप वहाँ पर है, बड़े के साइंटिस्ट हैं, उनको ले करके आप काम कर लो, उसका भी लाभ उठा लो। तो वो जो चीज़ें हैं हम संयुक्त रूप से करेंगे, और जहाँ भी आवश्यकता होगी, देखो हमको तो महाराज जी आप पुलिस से कहते हैं ना बोनस में रखे रहो सुरक्षित, जब जरूरत पड़ेगी जिस महीने में आपको लगेगा कि आचार्य जी इस बार मुश्किल पड़ रहा, उस दिन हम अपने आप देख लेंगे, चिंता मत करना। तो हमने कह दिया तो कर दिया, कह देंगे उसको, तो इसको करा जाएगा। बाकी चीज़ों के लिए भी
ये एक संयुक्त प्रयास है, ये समवेत प्रयास है, ये व्यक्ति का प्रयास नहीं है, व्यक्ति के लिए प्रयास नहीं है, इसको हमको समझना होगा। यह जो प्रयास है ये और बढ़े, और हम चाहते हैं कि इसमें से जैसे यहाँ कितनी जमीन है महाराज जी, है हाँ, तो ये क्या कि और थोड़ा थोड़ा बढ़े। तो हम इस मॉडल को जैसे आदमी आ भी जाए तो एक जगह पर वो आकर के महसूस भी कर सके, सब जगह ना भी घूम पाए, यह भी जरूरी होता है, क्योंकि मैं उस एंगल से भी इसको देख रहा था। और दूसरी चीज़ हमने महाराज जी को कह भी दिया गौमूत्र के लिए, जो हम लोग क्योंकि यहाँ पर गायें उस तरह से हैं गोवंश, वो खुले में रहती हैं, दिन में बाहर रहती हैं, तो गौमूत्र क्योंकि जो हम अर्क बनाते हैं तो अर्क तो क्योंकि सीधा डायरेक्ट लेकर के ही बन पाता है, पर दूसरा जो गिरे हुए गौमूत्र में से भी हम उसको डिस्टिलेशन करके अर्क निकाल करके वो बना सकते हैं, जो गोनाइल वगैरह बनाया जाता है। तो जो गोनाइल नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, फिनाइल सुना होगा, गोनाइल आपने कब से सुना हो, जब से सुना होगा गोनाइल हमारा ही पेटेंट है, यानी कि गोनाइल शब्द ही हमारी उत्पत्ति है, कि गोनाइल शब्द भी सोचा ही पर अब प्रयोग में आने लगा गोनाइल गोनाइल। और मैं आपको बताता हूँ बहुत गोनाइल हमारा लोग प्रयोग करते हैं, तो गोनाइल भी यहाँ पर बन जाए, हम दोनों तरह से आपको देने को तैयार हैं, फार्मूला फ्री में है, कोई वक्त नहीं, हम अपनी राइट सारा आपको दे देंगे, बना लोगे तो हम उसको कन्वर्जन कॉस्ट निकाल करके कुछ गौशाला के लिए दे करके उसके बाद में फिर हम उठा लेंगे, पूरा का पूरा हम ले लेंगे, उसकी भी मैं योजना बना देता हूँ। तीसरी हम गौ की संविधा, गौमय संविधा जो है हम लोगों ने अब बड़े लेवल पर पूरे देश में शुरू कर दिया है, वो डिमांड भी बहुत है, और मैं आपको बता देता हूँ, तो वहाँ मैं वही देख रहा था महाराज श्री से, मैंने पूछा कि गोबर कितना इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि गोबर से ही बाकी चीज़ें होनी है, तो जो संविधा वाला पार्ट भी हम यहाँ पर शुरू करा देता है, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कभी भी कि लोग कहें कि हमने कोई बहुत सहयोग किया, हमने कोई सहयोग नहीं किया, हमने सहयोग लिया, ये वाला होना चाहिए। तो गौशाला से तो हम सहयोग लेने वाले हैं, तो गौशाला के सहयोग से गौ माता के आशीर्वाद से हम जीवन में गति और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये हम मैं बिल्कुल दिल से मानता हूँ। और एक चर्चा मैं और कर रहा था महाराज श्री से, वो मेरे मन में था, क्योंकि हम लोग पहाड़ों पर भी बहुत सारे काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एरिया पे हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उसमें अभी एक काम इधर यमकेश्वर ब्लॉक में हम लोग कई सारे काम कर रहे हैं, तो एक नीलकंठ की तरफ काम कर रहे थे, अभी एक उधर माला खुंटी की तरफ हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर काम करते हुए मेरे दिमाग में बात आई कि पहले पतंजलि में भी मैं आपको बता दूँ हजारों गोवंश हमारे पास हैं, तो उनमें से 300 से ज़्यादा तो दूध देने वाली हैं, बाकी बिना दूध वाली भी बुजुर्ग भी बीमार भी हैं, सब गाय हैं। और हम लोगों ने महाराज जी एक काम और किया, बताना भूल गया, मेरे दिमाग में बात आई कि आसाम में बहुत घास है, गोवंश भी वहाँ बहुत है, मैंने हरियाणा की गाय उठा के आसाम में 700 ले गया था पूरी मालगाड़ी भर के, तो वहाँ पर भी 3-4 गौशालाएँ हम चलाते हैं, तो जैसे वो जो गुरुजी वाली गौशाला में भी हम सहयोग करते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है बोले पतंजलि वाले तो बोले वो घी बेचते हैं और दूध बेचते हैं, एक वाले गायें तो है नहीं, तो गायें हैं गोवंश हैं, घर से बाहर निकलोगे तो ही तो दिखाई पड़ेगा कि गाय कहाँ पलती हैं, गाय कहाँ संरक्षित हो रही हैं। और हमारी जो मानसिकता है ना, गड़बड़ क्या है कि लोग कह देते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, हम कह रहे हैं कि श्री कृष्णायन ये गोरक्षा देसी गोरक्षा शाला में जो इसमें बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, लोग कहेंगे अच्छा ये भक्त होगा इसलिए ऐसे ही बोल रहा होगा, अच्छा ये कहते कि हाँ वहाँ तो कुछ नहीं है ऐसे ही हो रहा है, बोले अच्छा और क्या हो रहा है। नहीं, हमारी मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है कि कोई नकारात्मक बोले, कोई नकारात्मक हमको विचार दे दे तो हम लेने के लिए तैयार रहते हैं, कोई सकारात्मक विचार दे दे हमारे दिमाग में घुसने को तैयार नहीं है, तो हम सकारात्मकता को दिमाग में घुसाएंगे तो पता चलेगा कि कितने सारे लोगों ने अपने जीवन को खपाया हुआ है, अपने जीवन को लगाया हुआ है इस गोवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए निस्वार्थ भाव से, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी जो परंपरा ही ऐसी नहीं है, नहीं तो कुछ संस्कृतियां तो ऐसे हैं इस जन्म में भी उनको कई सारे हूरे चाहिए, मरने के बाद में भी कहते कितने मिलेंगे, या तो इस समय भी जो है वो आत्म साधना से हम कहते हैं देश का कल्याण, मरने के बाद में कहते हैं भाई मोक्ष कर चले गए तो कुछ भी नहीं होता, वह शून्य हो जाता है, खाली हो जाता है, यानी चाहिए नहीं निवृत्ति, जीते जी भी निवृत्ति, मरने के बाद में भी निवृत्ति, जीते भी कुछ ना मरेगा मिलेगा, मरने के बाद में कुछ ना मिलेगा, तो ये संस्कृति ही त्याग की संस्कृति है, समर्पण की संस्कृति है, यह देने की संस्कृति है। यहाँ हम आहुति भी देते हैं ना, हम इदन्न मम, इदन्न मम हमको सिखाया जाता है,
ये नहीं कहा जाता। आजकल वो अपने देखा हुआ पीछे ऐड चलता था, ये दुनिया मेरे लिए। अरे भाई निकम्मा, तेरे लिए तो दुनिया है, तू दुनिया के लिए भी तो बन जा, कुछ तो बने। यानी सारा संसार मुझे चाहिए, पर मैं संसार के लिए क्या दे सकूं? ये हमारे पूज्य संतों से, हमारी संस्कृति से, सनातन वैदिक परंपरा से पूरी दुनिया सीख सकती है। वो सामर्थ्य हम में है, वो सामर्थ्य हमारी संस्कृति में है, वो सामर्थ्य हमारी परंपरा में है। तो पूज्य संतों को मेरी बहुत, मैं सबके चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए वंदन करता हूँ कि आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं। पतंजलि योगपीठ तो क्या, पूरा देश आपके साथ है। तो बहुत बहुत मेरी अनंत शुभकामनाओं के साथ में सबको प्रणाम कर रहा हूँ। हम लोग के बीच में एक बहुत बड़े गोभक्त हैं, अपने डॉक्टर सीवी जी, तथा आगे हाइड्रोजन फ्यूल पर भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय जर्मन तथा जापान एवं रूस की कंपनियों के साथ कुछ परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। आप आ जाएं सामने आचार्य जी के सामने। परम सद्देश्वरी ईश्वरदास जी महाराज, परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे पूज्य गुरुदेव, गाय से तो प्रेम रहा क्योंकि हम दूध पीते थे, गाय के साथ रहते थे, खेलते कूदते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको ज्ञान नहीं था क्योंकि मैं मूलतः एक वैज्ञानिक हूँ। पंतनगर विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, फिर कुमाऊँ विश्वविद्यालय में रहा, और उसके बाद मैंने सोचा कि विदेशों में इतना सारा विस्तार हो गया है, हमारे देश में क्यों नहीं हुआ। तो मैंने 1990 में नौकरी छोड़ दी, तब से मैं किसानों के साथ और कृषि व्यापार के संबंध में काम करता रहा। जब मैं यहाँ आया तो हमें जो एजेंडा दिया गया, जो उद्देश्य दिया गया, महाराज जी का आदेश था कि भाई गौमूत्र और हमारे गोबर से क्या क्या आप बना सकते हैं इसके संबंध में करके, ताकि हमारी गाय की व्यवस्था चल सके। तो फिर हमने कुछ वैज्ञानिकों का साथ लेकर के, कुछ अपना ज्ञान लगा करके, और हमने कुछ फार्मूलेशंस बनाए जो आज आप लोग देख रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम यहाँ तक पहुँच गए। जब यहाँ पर हम आ गए तो गुरु महाराज जी ने हमें कहा कि भाई इनको कहो कि हम हमसे मिलने आए। तो गुरु महाराज जी उस समय बद्रीनाथ जी में थे, मैं वहाँ शाम को पहुँचा और हमसे लगभग 20 मीटर की दूरी पर बैठे थे। मैंने दूर से उनको प्रणाम किया तो मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, तो मुझे लगा कि शायद मैं जो ढूंढ रहा था यहाँ हमें प्राप्त हो गया। तो हमें ऐसा लगा कि एक सद्गुरु की प्राप्ति हो गई हमें। उन्होंने भी दूर से मुस्कुराए और हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। जब सब लोग चले गए तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा निकट आइए, तो हम बैठे रहे, बातचीत होती रही। तो अचानक कहीं से प्रेरणा आई, तो मैंने कहा महाराज जी ये बताइए, क्या हम ये जो गैंडी खत्ता में है क्या इसको पूरे देश में नहीं कर सकते? बोले अरे क्यों नहीं कर सकते, अब आपके दिमाग में प्रेरणा आई है। तो उस दिन हमने सोचा, संकल्प नहीं लिया, सोचा कि हम इस देश में 5,500 ब्लॉक हैं, उन 5,500 ब्लॉक पे 100 गायों की, निराश्रित गायों की परियोजनाएं बनाएंगे, जिस पे हमने पूरा काम कर लिया है, और बहुत सारी विदेशों से मदद भी हमें लगभग मिलने का उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है। हम लोग बुंदेलखंड से शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, बुंदेलखंड में अप्रैल से इसको शुरू करेंगे, 100-100 गायों की गौशाला बनाएंगे और सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की बात करेंगे। जो जर्मनी के लोग हैं वो 125,000 टन साल का या उससे बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें 48 से लेकर 50 टन CNG बनती है, और उसे आय जो है 2 से 3 साल में सारा पैसा वापस हो जाता है। उसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसके लिए अभी हमने नीति आयोग से बात की कि आप कोल्ड स्टोरेजेस को CO2 बेस बनाइए, और जो ऑर्गेनिक जो पदार्थ है जिनको हमें रखने की दिक्कत हो रही है, तो वो CO2 उसके काम में लाई जा सकती है। प्लस CNG का जो फ्यूचर में जो भविष्य है उसको हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए इसके ऊपर बहुत सारे पेटेंट्स आ गए हैं, तो हम उन लोगों से भी बात कर रहे हैं। पूरे तन मन और जो भी कुछ हमारे पास है, हमने और हमारी पत्नी ने अप्रैल के बाद ये संकल्प लिया है कि हम जो भी पैसा कमाएंगे हमारे खर्च करने के बाद सब कुछ ये श्री कृष्णायन को समर्पित होगा, कि महाराज जी को हमारा संकल्प मालूम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम, सारे संत लोगों को प्रणाम, जिनके हम आशीर्वाद से और सहयोग से हम थोड़ा बहुत कुछ जान पाते हैं, सीख पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।